नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड ऑन ड्रग्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो है एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज की सीरीज लेकर आए हैं और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। 20-20 क्वेश्चन की सीरीज होगी और ये 20-20 क्वेश्चन का हम 5 पार्ट में देंगे। 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी और मैक्सिमम जो है परीक्षा में आपको यही जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और इसको हमको पैसिव वाइज में चेंज करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पुराना वीडियो हमारा नहीं देखे हैं, तो आप वीडियो देख लीजिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि कैसे चेंज होता है, ठीक। और अगर आप देख लिए हैं और लाइक सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, शेयर कर लीजिए एक बार। तो ये सामने सब लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, द विंटेज कार होल्डर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। मैंने बताया है कि जब भी हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो सबसे पहले ये ढूंढिए कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में बदल जाएगा। पहला काम आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है और दूसरा काम आपको ये देखना है कि कौन सा टेंस है और किस टेंस में बदलेगा। जैसा कि हमने एक्टिव पैसिव के पहले वीडियो में ये चीज बता चुका हूं। देखिए, द विलेज कार्स होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो सब्जेक्ट ये बनेगा द स्पेशल प्लेस। तो द स्पेशल प्लेस जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए स्पेशल प्लेस ये हमारा जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब सबसे पहले देखिए कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस अर्थात वाज या वर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ वाज का प्रयोग होगा क्योंकि ए स्पेशल प्लेस वाज। उसके बाद अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो होल्ड। तो होल्ड जो है इसका जब हम थर्ड फॉर्म करेंगे तो हेल्ड हो जाएगा। तो ए स्पेशल प्लेस वाज हेल्ड, ठीक। क्या हेल्ड किया हुआ है कि वाज हेल्ड द बाई द विंटेज कार्स, विंटेज कार्स, ठीक। फिर कहां पे, इन द हार्ट्स ऑफ दियर ओनर्स, इन द हार्ट्स ऑफ दियर ओनर्स, ठीक। तो ये चीज है हमारा पैसिव वॉइस। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो है सब्जेक्ट क्या बनेगा, उसके बाद हम ये देखेंगे कौन सा टेंस है और किस टेंस में बनेगा। जैसे अगला है द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है द चेक। तो द चेक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। द चेक के बाद अब ये देखिए कि टेंस कौन सा है, यहाँ पे टुक लिखा हुआ है, टुक का मतलब टेक का सेकंड फॉर्म टुक, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये जब बदलेंगे तो वाज या वर्ब में अर्थात द चेक वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक। उसके बाद क्या होगा, बाय द अकाउंटेंट, बाय द अकाउंटेंट, फिर फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द कस्टमर, ये हमारा जो है इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर आप हमारा पुराना वीडियो देखे तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ये हिम है। हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही, फिर रिफ्यूज्ड लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात या तो वाज या तो वर्ब, तो ही वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड, ठीक, ही वाज रिफ्यूज्ड, फिर बाय द गेट कीपर, बाय द गेट कीपर, फिर आगे जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, एडमिटेंस, एडमिटेंस, ठीक, ये चीज है। उसके बाद जैसे अगला, सोहन वाज इंटरव्यूइंग, सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या, द पॉलिटिकल लीडर्स, द पॉलिटिकल, द पॉलिटिकल लीडर्स।
उसके बाद आप देखिए यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है, वाज का प्रयोग किया गया और इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब बदलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, उसी के आगे प्लस बीन जुड़ जाएगा, अर्थात या तो वाज बीन हो जाएगा या तो वर्ब बीन हो जाएगा। लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर्स बहुवचन है, लीडर्स लिखा हुआ है, अर्थात बहुवचन के साथ क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इंटरव्यू लिखा हुआ है, और इंटरव्यू को जब हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इंटरव्यू, इंटरव्यू ठीक, किसके द्वारा, बाई सोमन ठीक। अगला देखिए, द बिल्डर्स हैव बिल्ट ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। तो सबसे पहले इसमें ये देखिए कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा ए परफेक्ट डैम, ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ए परफेक्ट डैम। अब ये देखिए कि इसमें जो है हमारा टेंस कौन सा है, टेंस हम देख रहे हैं हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अर्थात हैज बीन या हैव बीन होगा, तो चूंकि ए परफेक्ट डैम तो हैज बीन, ए परफेक्ट डैम हैज बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट, किसके द्वारा, बिल्डर्स के द्वारा, बाई द बिल्डर्स ठीक, अक्रॉस द स्ट्रीम, अक्रॉस द स्ट्रीम, ये चीज है ठीक। तो अगर आप पुराना वीडियो देखे हैं तो इसको आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, जैसे द न्यूज सरप्राइज जो अस, तो इसको जब हम अस को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी ठीक, उसके बाद सरप्राइज वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्थात इज आर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या तो वाज या वर, तो वी वर सरप्राइज, वी वर सरप्राइज बाई द न्यूज, बाई द न्यूज ठीक। तो ये चीज है, अतः से अगला हमारा क्या है कि दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन रेगुलरली। तो इसका जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट हमारा बनेगा कि ऑल द इंस्ट्रक्शन, ऑल द इंस्ट्रक्शन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑल द इंस्ट्रक्शन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप देखिए कि वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यहाँ पे सुड है, और कोई भी मॉडल वर्ब रहे, सेल, बिल, बिल सेल, वुड, सुड, ऑट टू, कैन, कुड, ये सब चाहे जो रहे, इसी के साथ वो केवल बी जोड़ देना है, तो द ऑल द इंस्ट्रक्शन सुड बी, तो अब या तो सुड बी होगा या तो वुड बी होगा ठीक, तो ऑल द इंस्ट्रक्शन सुड बी, फिर फॉलो, तो फॉलो है ना, तो फॉलो थर्ड फॉर्म, फॉलोड, फॉलोड बाई देम, तो दे का जब इधर ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई देम हो जाएगा, टी एच एम, बाई देम केयरफुली ठीक, ये हो जाएगा हमारा उसका पैसिव वर्ब। जैसे अगला है कि वी आर टॉट इंग्लिश हियर, तो अब देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहां पे इंग्लिश है, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश ठीक। उसके बाद इज आर एम, तो इज आर एम का जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसी में केवल बीइंग जुड़ जाता है, तो द इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाई, वी का क्या हो जाएगा, फिर आगे देखिए हु नोज यू। अब आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड, मैंने पढ़ाया भी है क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड, क्या बताया था कि हु नोज यू, अब इसको जब बदलेंगे तो हु का बाई हूम, बाई हूम, बाई हूम, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, तो नोज लिखा हुआ है तो इसमें इज या आर या एम, तो बाई हूम आर यू नो, ये हो जाएगा इसका पैसिव वर्ब। अगर नहीं समझ में आए तो आप पीछे जाइए, पुराना वीडियो देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए। जैसे क्वाइनाइन टेस्ट बिटर, अब ये हमारा एडजेक्टिव वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव का रूल है, तो वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, क्वाइनाइन, फिर टेस्ट मतलब इज आ रहे हैं, तो क्वाइनाइन इज बिटर, व्हेन इट इज टेस्टेड ठीक, ये हो जाएगा। जैसे थिंक बिफोर यू स्पीक,
सोचो बोलने से पहले, मतलब कोई एडवाइस दे रहा है कि बोलने से पहले पहले सोच लिया कीजिए कि कहीं आपसे आपके मुंह से निकला हुआ शब्द उसके लिए गलत ना हो। तो इसलिए यू आर एडवाइज्ड। फिर आगे देखिए क्या चीज एडवाइस दी जा रही है, टू थिंक बिफोर स्पीक। आगे क्या है, हैव दिस लॉक ब्रोकन। अब यहां पे जो है हमारा हैव दिस लॉक ब्रोकन मतलब यह ताला तुड़वाना है, ठीक। तो तुड़वाना मतलब ये काजेटिव वर्ब है, और काजेटिव वर्ब का जब हम बनाएंगे तो टू गेट समवन, ठीक, टू गेट समवन या फिर गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, मतलब टू गेट समवन किसी को प्राप्त करो, टू ब्रेक तोड़ने के लिए दिस लॉक यह ताला। जैसे स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, ये जो नीचे का 1, 2, 3 ये जो 11, 12 और 13 नंबर है बहुत बहुत ही बड़े, आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा, गारंटी करता हूं। जैसे स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, तो इट स्पेन के द्वारा आशा की जाती है, तो इज इट वाज एक्सपेक्टेड, ठीक, इट वाज एक्सपेक्टेड by Spain to win the World Cup, WC लिख दिया हूं, WC मतलब World Cup। जैसे you must hit the nail on the head, तो अब इसका जब पैसे बनाएंगे तो the nail हमारा subject बन जाएगा, the nail must be, फिर hit, the nail must be hit by you on the head, ठीक, ये चीज है। आगे जैसे अगला लिखा हुआ है, he does not pupil to call him cheat। तो देखिए अब इसका जब पैसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, he does not pupil, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, क्वेश्चन शायद कुछ मिस्टेक है इसमें, देख ले रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही डज नॉट, क्वेश्चन नंबर 15, ही डज नॉट लाइक, यहां पे होगा ही डज नॉट लाइक प्यूपिल टू कॉल हिम चीट, ठीक है। तो इसका जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अब चूंकि देख रहे हैं टू लिखा हुआ है, टू कॉल मतलब इंफिनिटिव है, और इंफिनिटिव में मैंने बताया कि पूरा पूरा लिख लेंगे उसी के आगे बी लगा देंगे, तो जैसे ही does not like pupil to, he does not like pupil to be call him cheat, to be called him cheat। मैंने बताया ना इंफिनिटिव वाले में क्या करना है कि जो हमारा इंफिनिटिव है उसी में केवल टू के साथ बी जोड़ देना है बस। जैसे द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस, तो क्या चीज है कि द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द मैन वाज आस्क्ड बाय आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द ये हो जाएगा, द मैन वाज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय। जैसे डू नॉट मेक ए नॉइस, डू नॉट मेक ए नॉइस, तो सर उसको जो है क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि यू आर अब चाहे कह दीजिए ऑर्डर्ड टू नॉट या फिर यू आर फॉरबिडन, आप मना कर रहे हैं टू मेक ए नॉइस, शोर मचाने के लिए, ठीक, ये चीज है। जैसे वी मस्ट टेक डिसीजन, तो वी मस्ट टेक डिसीजन, तो क्या हो जाएगा इसका डिसीजन, अब मस्ट बी टेकन, ठीक,
डिसीजन मस्ट बी टेकन, जैसे आर दे नॉट चीटिंग, आस्क क्या हो जाएगा वी, अब इज आर एम का इज बीइंग आर बीइंग एम में, इसी तरह आर वी बी, ठीक, और नॉट लिखा हुआ है वी के आगे नॉट, आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाई देम, आगे आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा हिम का क्या हो जाएगा ही, फिर शुड हैव बी मेट, ठीक, बाई मी और यस्टरडे, तो ये सीरीज है हमारी, ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसको शेयर कर लीजिए, धन्यवाद।